डियर पेरेंट्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड बहुत बहुत स्वागत आपका शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। पेरेंट्स, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरी जा चुकी हैं, जिसकी एक्सटेंडेड लास्ट डेट 20 दिसंबर 2023 थी। अब एक बड़ा सवाल आपके सबके मन में है कि यदि उस एप्लीकेशन को फिल करते समय आपसे कोई गलती हुई है, से फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, या चॉइस ऑफ सैनिक स्कूल आपने जो की थी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, चेंज करना चाहते हैं, या मे बी लैंग्वेज अपनी चेंज करना चाहते हैं, वॉट सो एवर, एक्सेप्ट आधार नंबर, कोई भी एप्लीकेशन में एंटर की गई डिटेल को आप चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए NTA ने दी है करेक्शन विंडो। सब लोग सुबह से परेशान थे, करेक्शन विंडो ओपन नहीं हो रही है, बट फाइनली इट्स ओपन और आप नेसेसरी करेक्शंस कर सकते हैं। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि किस तरीके से आप रिक्वायर्ड चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। बट उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को सबके साथ में शेयर कीजिए, सो डैट मैक्सिमम लोगों तक ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन फ्यूचर रेगुलर मिल सकें। चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू मेक द चेंजेस यूजिंग करेक्शन विंडो। पेरेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो AISSEE 2024 की है वहां पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in/AISSEE। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन है AISSEE 2024 रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। ये वही सेम ऑप्शन है जिस पर जाकर के आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी, आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। नाउ एडिटिंग के लिए या करेक्शन के लिए दो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, एक आपका एप्लीकेशन नंबर एंड सेकंड आपका पासवर्ड। दोनों चीजें जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर किया था तो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आई थी। आई होप आपके पास वो सेफ हैं। इन केस नहीं है तो आप दोनों को रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे करना है आइए पहले वो देख लीजिए। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन हैं आपके पास, पहला सिक्योरिटी क्वेश्चन और दूसरा है रिट्रीव बाय लिंक सेंड टू मेल। सिक्योरिटी क्वेश्चन ऑप्शन यूज करते हैं तो आपके पास में जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्वेश्चन आपने दिया था उसका आंसर डाल के पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, और सेकेंड ऑप्शन का यूज करते हैं तो मेल पर आ जाएगा। सेकेंड थिंग, एप्लीकेशन नंबर, आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी तो लास्ट में एक ऑप्शन आया था डाउनलोड एप्लीकेशन, अगर वो आपने डाउनलोड किया है PDF वेल एंड गुड, वहां से मिल जाएगा। इन केस यू मिस्ड इट, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर पे आप जाएंगे, अपना नाम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय भरा था एग्जैक्ट वही डालिए, आपको तुरंत आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं इन केस आपसे मिस हो गई हैं तो यू हैव लर्न्ड हाउ टू रिट्रीव देम। अब आइए पेरेंट्स बात करते हैं करेक्शन विंडो कैसे ओपन होगी। यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहां मैं डाल रही हूं मेरा नंबर जिससे मैंने फॉर्म भरा था 24181000871। नेक्स्ट आपको पासवर्ड डालना है, याद है वेल एंड गुड, अदरवाइज रिट्रीव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। ये है यहाँ पर पासवर्ड, ये मैंने एंटर किया, एंटर करके सिक्योरिटी पिन 192595 डालना है एंड लॉगिन करना है। ये लॉगिन हो गया, राइट। अब आप देखेंगे अगर इस डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि करेक्शन विंडो ये है, आपको करना क्या है, इस डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन ऑप्शन पर आप जाएंगे। ये आ गए हम इस पर। अब एप्लीकेशन जब हमने फिल की थी तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल्स, अप्लाई फॉर क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट।
स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करने के लिए सपोज आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चेंज करना चाहते हैं, आप इस पर जाइए। यहां पर जब आप देखेंगे तो ये देखिए रेड कलर से आपको मेंशनड है क्लियर कट करेक्शन विंडो। अब ये करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है और आपकी लिखी हुई हर एक चीज यहां पर एडिटेबल है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल आप अपने एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, व्हाट्सोएवर। इस स्टेप पर जो भी आपको चेंज करना है वो करना है। करने के बाद ये जो कैप्चा इमेज आप यहां पर देख रहे हैं 683657 ये डालना है, एग्री करना है और उसके बाद नीचे जाकर के सेव एंड नेक्स्ट। योर चेंजेस हैज बीन डन, काइंडली फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट, राइट। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब हम आ गए यहां पर पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पर। इसमें से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चेंज करना है, मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था आपसे कोई गलती हो गई थी यहां पर कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज करने में, मे बी मैंने कैटेगरियां जनरल ली थी, हो सकता है मेरी जो कैटेगरी है वो ओबीसी एनसीएल है या डिफेंस है, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। डिफेंस में क्या चेंज करना है आपको, मे बी आपने एक्स सर्विसमैन किया, आप कर सकते हैं, राइट। और जो एक ऑप्शन यहां पर इंपॉर्टेंट था वो ये था कि एक्सेप्ट आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, कोई भी अदर कैटेगरी जो है वो डिफेंस में नहीं आती है। बट यस, एक ऑप्शन है कि कोस्ट गार्ड या असम राइफल में अगर आपके फादर हैं तो आप यहां पर इसको यस कीजिए, अगर है तो, और नहीं तो नो कीजिए। बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर डिफेंस की सीट्स खाली होती हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर कोस्ट गार्ड या असम राइफल के कैंडिडेट्स को वो सीट्स मिलती हैं, राइट। अब यहां पर सपोज मैंने एनुअल इनकम गलत डाल दी थी, आई वॉन्ट टू चेंज इट टू दिस, ये मैंने चेंज किया और चेंज करके अगेन द सेम स्टेप कैप्चा डालना है 039799 आई एग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड स्टेप पर आप आ जाएंगे, चेंजेस डन, राइट। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आधार डिटेल्स वाला स्टेप है। आधार डिटेल्स मैंने आपको पहले ही बोला था अपडेट नहीं होंगी, यहां पर वही आधार नंबर आएगा जो आपने पहले एंटर किया था। इसको सेव कीजिए, कैप्चा डाल करके आगे बढ़िए 655, राइट। आई एग्री, मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये आपका नेक्स्ट स्टेप पर भी जो चेंजेस हमने किए वो हो गए। अब हम आ गए हैं फोर्थ स्टेप पर, अप्लाई फॉर। अब जब एप्लीकेशन फिल की थी उस टाइम हमने यहां पर सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल 40% रूट डाला था। अब से फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, हमें न्यू सैनिक स्कूल्स नहीं, हमको केवल सैनिक स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन लगानी है, चेंज किया। अब यहां पर कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना है, पहले जो भी किया था अगर आपको अब लगता है कि वो नहीं, मुझे कोई नई चॉइस देनी है, से फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहां पर अपनी दूसरी चॉइस देना चाह रही हूं सतारा महाराष्ट्र, वो मैंने चूज की। और इसी तरीके से जो एग्जाम सेंटर चॉइस है, हो सकता है इस दौरान आपका कुछ ऐसा चेंज ऑफ प्लान हुआ हो कि आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जयपुर दी थी, अब मुझे लगता है नहीं उस टाइम मैं जयपुर में नहीं होंगी, आई विल बी इन कोटा दैट टाइम, मैंने इसको कोटा किया। और भी चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और चेंज करके अगेन द सेम स्टेप कैप्चा फिल कीजिए एंड सेव कीजिए एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये हमारे चेंजेस सेव हो गए, अगेन यू हैव रिसीव द मैसेज Changes have been done, right? अब आइए next step qualification details पर। यहां पर class 5 status पूछा था, not applicable कीजिए, option ही वही है, उसके अलावा कोई option नहीं है। Then captcha डालिए and captcha डाल के you move on to the next step, save कीजिए।
हर स्टेप पर एग्री एंड सेव आपको करना है। दिस स्टेप में भी जो चेंजेस थे वो सेव हो गए। सेम वे नेक्स्ट स्टेप पर आप आए, यहां पर जो पूछा है आपसे एडिशनल डिटेल्स कि आप कभी एग्जाम में पहले बैठे हैं, हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और आर यू सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ, वो भी आप एडिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कैप्चा डालना है, मूव ऑन। कैप्चा एक्सेप्ट नहीं किया इसने। अगर ऐसा होता आपके साथ भी, ये वाला स्वैप बटन है, इसको यूज कीजिए, नया कैप्चा आ जाएगा, आप वो डाल सकते हैं। दिस वन इज क्लियर, 3620522। नेक्स्ट, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स थी बच्चों को यहां पर। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया हो, हो सकता है आपके पास में उस टाइम पर जब फॉर्म भरा था डोमिसाइल नहीं था, अब आपको मिल गया हो, तो आप चेंज कर सकते हैं, नो इश्यू इन इट। आप कैसे भी चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कैटेगरी सर्टिफिकेट, थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ एक पेरेंट्स की क्वेरी थी, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है AISSEE का, उसमें एक पॉइंट मेंशन था कि फोटोग्राफ जो होना चाहिए उस पर नाम और फोटोग्राफ लेने की डेट मेंशन होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो ब्लैक इंक में होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन ब्लू इंक में होना चाहिए। हाउएवर आई हैव नॉट सीन एनी रिजेक्शन ऑन दिस ग्राउंड, बट स्टिल आई वुड एडवाइस कि अगर ऐसा आपने पहले नहीं किया है तो अभी मौका है, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अपनी एप्लीकेशन को बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए सो दैट फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। तो मेक श्योर जिस तरह का फोटो एक्सेप्ट किया जा रहा है वो डालें, सिग्नेचर ब्लैक इंक में डालिए और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट ब्लू इंक में आप डालिएगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, राइट। जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उनको करके मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर देखिए पेरेंट्स, एक चेंज किया था हमने यहां पर कैटेगरी में, तो क्योंकि पहले जनरल कैटेगरी ली हुई थी तो जनरल के अकॉर्डिंगली तीन डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, अभी चौथा डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इसके सपोर्ट में हमको यहां पर एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस कैटेगरी सर्टिफिकेट, और वो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं अभी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इस एप्लीकेशन को आपको फाइनली सबमिट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो फाइनली अपलोड हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है सेव एंड नेक्स्ट। आपको इसको इंफॉर्मेशन को फिर से सेव करना है। सेव करने के बाद मैसेज आ गया, डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ अब हम फाइनल सबमिट की स्टेज पर आ चुके हैं। एक बार पूरी डिटेल्स समराइज्ड आपके सामने यहाँ पर है, फिर से चेक कर लीजिए। अभी भी आपको लगता है कोई चेंज करना है तो यू कैन गो बैक, यहाँ बैक बटन है, चेंज हो जाएगा। एंड इफ यू थिंक कि अब ये बिल्कुल फाइनल है, इसके बाद कोई चेंज मुझे नहीं करना, एंड प्लीज मेक श्योर जो करना है अभी कर लीजिए। करेक्शन विंडो में सेकेंड टाइम कोई चेंज नहीं होगा, सबमिट हो गया उसके बाद वो फाइनल है, भले ही उसकी डेट आपके पास में रहे परसों तक, लेकिन एक बार सबमिट होने के बाद चेंज नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप फर्स्ट स्टेप में सारा काम प्रॉपर 100% अपने नीड और सेटिस्फैक्शन से कर सकें। सबमिट कीजिए, ये फाइनल सबमिट है। फाइनल सबमिट पर वेरीफाई कीजिए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, ये वेरीफिकेशन है कि आपने सब चीजें चेक कर ली, यू हैव इंश्योर्ड ईच एंड एवरी सिंगल एस्पेक्ट। मैंने अपना ईमेल आईडी भी चेक कर लिया, सेंटर का सिटी चेक कर लिया, क्लास चेक कर ली, ये चेकलिस्ट फिल हो गई, और अब अग्री करना है और फाइनल सबमिट आपको इसको करना है। फाइनल सबमिट जब आप करेंगे
उसी के बाद ये सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे. अब योर चेंजेस हैज बीन डन, प्लीज डाउनलोड योर एप्लीकेशन एंड चेक चेंजेस. अब आप डाउनलोड एप्लीकेशन कीजिए. अब जो आपके सामने पीडीएफ ओपन होकर के आएगा एप्लीकेशन का, मैं दिखा देती हूं आपको यहीं पर, डोंट वरी एट ऑल. ये पीडीएफ डाउनलोड हुआ. लेट मी सी, ये रहा वो पीडीएफ. यहां पर जाकर के आप देख लीजिए, मेक श्योर सभी चेंजेस यहां पर रिफ्लेक्ट हो गए हैं. ये रहा वो पीडीएफ जो कि अब नया पीडीएफ है, न्यू पीडीएफ अकॉर्डिंग टू चेंजेस मेड ड्यूरिंग करेक्शन विंडो. अब ये आपका रेफरेंस पीडीएफ है, इसको सेव करके रखिएगा. प्रीवियस वाले की अब आपको आवश्यकता नहीं है. दिस इज योर रेफरेंस पीडीएफ नाउ. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू. एंड इस वीडियो को देख के आप बहुत प्रॉपरली समझ पाएंगे कि किस तरीके से करेक्शन विंडो में आपको चेंजेस करने हैं. विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स. गुड लक.